हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉगिन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम टेंस का जो है पास्ट टेंस कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने ना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, और किसी स्टूडेंट ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपके जो कॉन्सेप्ट है यानी कि पास्ट टेंस के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो कंप्लीट कर लोगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किससे संबंधित, एरर से संबंधित, सेकंड नरेशंस के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके सोल्व हो जाएंगे। और नरेशन से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, और जो एरर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, और साथ में जो आपका टेंस वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से जो है टेंस को एक बार समझ लेना है, और एक बार जब आप इसको समझ लोगे तो आपके जो नरेशंस वगैरह में वहाँ पर एरर नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। सबसे पहले तो अपनी बात करते हैं कि जो पास्ट टेंस होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आप देखो, पास्ट टेंस जो है वो चार भागों के अंदर क्या है, डिवाइड है। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ में आएगी। जैसे अपने प्रेजेंट टेंस जो किया था उसमें भी, तो उसमें भी हमने टेंस को चार भागों में बांटा था, उसी प्रकार से जो पास्ट टेंस है उसको भी हमने चार भागों के अंदर बांट दिया है। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस, कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। और सेकंड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, और लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी प्रकार से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो हम क्या करते, यहाँ पे जो पास्ट लिखा है ना उसको काट देते, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट हम लिख देते। यानी कि सेम यही जो टाइप है फोर, वो प्रेजेंट टेंस में है। उनके भी नाम इस प्रकार से है, प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यानी कि इसी प्रकार से जो अपने नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे फ्यूचर, उसमें भी इसी प्रकार से होता है। यहाँ पास्ट है वहाँ पे हम फ्यूचर कर देते हैं, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, चारों पार्ट सेम होते हैं। अब सब में कॉमन चीज़ क्या होती है, जब कंटिन्यूस वर्ड दे रखा होता है तो हमें ing लगाना होता है, किसके साथ में, वर्ब के साथ में। वर्ब के साथ में हमें ing फॉर्म हमेशा लगानी होगी जब हमें कंटिन्यूस जो वर्ड है वो हमें दिखाई दे। और जब मैंने आपको बताया था आप, तो फ्रेंड्स अब आपको बताना है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है, तो आप यहाँ पर बताओ कि पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट वर्ड जब भी दिखाई दे तो हमें क्या माइंड के अंदर सोचना है कि यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना हैज़ और हैव, हैज़ और हैव जो है वो हमेशा यूज़ होगा। ठीक है, परफेक्ट टेंस में। और कंटिन्यूस टेंस के अंदर किसका यूज़ होगा, वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म जो है वो हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होगा, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, इसका मतलब हैज़ हैव भी है प्लस में वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म भी है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हैज हैव जो होता है ना, इसके साथ में डायरेक्ट हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि क्या रूल होता है कि जो हैज हैव होता है ये हमेशा, हैज हैव हमेशा हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। हैज हैव हमेशा वर्ब के साथ अपनी थर्ड फॉर्म लेगा। ठीक है, आप ये चीज़ें जो है नोट करते जाएं ताकि आपको बाद में जो है इन चीज़ों को रिमाइंड करने में आसानी हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ मैंने आपको बताई, यहाँ पर एक रूल है कि हैज़ हैव हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, इसलिए जो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है इसमें हमें हैज़ हैव भी यूज़ करना पड़ता है, और कंटिन्यूस है इसलिए हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज़ करनी पड़ती है। तो इसलिए हम इसके बीच में किसका यूज़ कर देते हैं, बीन का। और बीन जो है वो क्या है, यहाँ पे बीन जो है मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, यहाँ पे बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बीन जो है वो क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, बी होती है, बी होती है। इसलिए हमें यूज़ करना है हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हम बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके पास्ट टेंस का, मैंने सिंपल बता दिया कि इसको चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया होता है। सेम जैसे अपने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से रूल इसके अंदर होते हैं। अब देखो, सबसे जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो है सिंपल पास्ट टेंस, है ना, सिंपल पास्ट टेंस। इसको हमने डिवाइड किया है
फर्स्ट मैंने आपको बताया ना सिंपल पास्ट होता है, सेकंड जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, थर्ड जो होता है वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट, और लास्ट जो फोर्थ हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो चार टेंस है उसमें जो फर्स्ट है ना वो कौन सा है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल का मतलब बिल्कुल इसमें जैसे अपने यूज करेंगे जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है। और ये टेंस जो है इसमें क्या है, आई सोल्ड दी सम, यानी कि यहाँ पे मैंने सिंपल पास्ट यूज किया है। सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने यूज की है, और ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये आई हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, दी सम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होती है। सिंपल जो पास्ट टेंस होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट दिया होता है जो कौन सा है आई, ठीक है, और सोल्ड, सोल्ड कौन सा क्या हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम सिंपल पास्ट के अंदर यूज करेंगे। और वहीं पर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं, उसके साथ में क्या हम एस या ई एस यूज कर सकते हैं, ये भी आपको बताना है यस या नो में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सम है वो क्या है ऑब्जेक्ट है, इसके एग्जाम्पल जो है वो देख सकती हो आप, ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, तो ये सही नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा वह फुटबॉल खेलता था, है ना। पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर था यूज किया है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अगर यहीं पर ये होता जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हम क्या यूज करते, ही, और ही के साथ बताओ आप हमें प्ले के साथ हमें क्या यूज करना है, ही जो है इसमें प्लेज यूज करेंगे या फिर सिंपल हम प्ले यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे ही प्लेज यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ब की जो फॉर्म यूज करनी है वो सिंगुलर यूज करनी है, उसके साथ में हमें एस या फिर ई एस जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो हर टेंस होता है उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे अपने सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस जो है चार भागों में इस प्रकार से ऑलरेडी आगे डिवाइड होता है, यानी कि क्या होता है कि जैसे ही हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस चार भागों में डिवाइड होता है, फिर उसके अंदर जो चार पार्ट होते हैं ना वो आगे फिर डिवाइड होते हैं फर्दर, यानी सिंपल पास्ट टेंस जो है इस प्रकार से डिवाइड होता है। उसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस के अंदर भी इसी प्रकार से स्ट्रक्चर इनकी रहती है, उसमें भी इसी प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है ना अफर्मेटिव होता है, ये सिर्फ आपको समझना है, और जब आप इसको एक बार समझ लोगे ना तो आप जब नरेशंस या फिर एरर वाले जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये चीजें जो है माइंड में आने लगेगी, अपने आप समझ में आने लगेगा कि हाँ हमने यहाँ पर इस प्रकार से इन चीजों को समझा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं है बल्कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पर अफर्मेटिव का मतलब होता है कोई चीज पॉजिटिव है, उसके अंदर नेगेटिव नहीं है, यानी कि नॉट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, नॉट वर्ड जो है यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब इसमें नॉट नहीं लगा होता है, ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। फर्स्ट में अफर्मेटिव जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें नॉट वर्ड तो कहीं पर आएगा नहीं, तो इसमें सिंपल क्या आएगा सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, और वी टू फॉर्म है जो हम पास्ट में यूज करेंगे, और बाकी ऑब्जेक्ट है। जैसे इसमें लिखा है आई वेंट टू दी पार्क, है ना, आई वेंट मतलब मैं पार्क गया। उसी प्रकार से अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो नेगेटिव ऑलरेडी क्या होता है नॉट यूज करना पड़ेगा हमें। और एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, जब भी हमें नॉट, तो आप यहां पर देख सकते हो जब भी हमें नॉट लगाना पड़ेगा यानी नेगेटिव लगाना पड़ेगा तो हमें सेंटेंस में डिड का यूज करना पड़ेगा, और पास्ट के अंदर, पास्ट के अंदर हमें डिड का यूज करना पड़ता है, अगर यहीं पर प्रेजेंट टेंस होता तो हम डू या डज का यूज करते, दोनों में ये डिफरेंस रहता है, ठीक है। ये प्रेजेंट की कंडीशंस में होता, अगर हम प्रेजेंट टेंस के अंदर नेगेटिव टेंस की बात कर रहे होते तो हम डू या डज का यूज करते, ये कंडीशन हमने किस में यूज किए पास्ट टेंस के अंदर, तो डिड का यूज हम हमेशा पास्ट में करेंगे, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है कि जब भी हम डिड नॉट लगाते हैं या फिर डिड यूज करते हैं तो वी वन फॉर्म आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, डू डज और डिड ये हमेशा अपनी बेस फॉर्म लेती है। बेस फॉर्म का मतलब होता है ना ही तो वो सेकेंड फॉर्म होगी, ना ही उसके साथ में एस या ई एस लगा होगा, ठीक है, वो सिंपल प्योर फॉर्म होगी, बेस फॉर्म उसको बोलते हैं, ठीक है। बेस फॉर्म का मतलब होता है उसके साथ ना तो ई एस लगा हुआ है, एस या ई एस लगा हुआ है, यानी कि उसको ना तो सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम प्लूरल की तरह यूज़ कर रहे हैं, ना ही उसका हम पास्ट बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, बेस फॉर्म यूज़ करते हैं डू डज और डिड के साथ में, हमेशा विदाउट ई एस वाली, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब देखो
क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस वाले जो होते हैं या जिनको हम इंटरोगेटिव कहते हैं, इंटरोगेटिव वाले में क्या होता है कि डिड को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, डिड का यूज़ हम सिंपल नॉट वाले टेंस में यूज़ करेंगे। सेकंड, जब भी इंटरोगेटिव टेंस होगा उसमें डिड का यूज़ करेंगे। जो ये सिंपल वाला होता है ना, इसमें कभी अपनी डिड का यूज़ नहीं करते, या तो उसके अंदर नॉट लगा होगा या फिर उसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा होगा, तभी हम डिड का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इसमें क्या है कि हमने डिड को बाहर लिया सब्जेक्ट, और हमने इसके साथ में हमेशा वी वन फॉर्म यूज़ किए। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होगा, वो क्वेश्चन वाक्य भी है और साथ में इंटरोगेटिव नेगेटिव है, मतलब उसके अंदर हमने नोट वर्ड भी यूज़ किया है ना। तो यहाँ पर डिड और नोट क्या हम इसके साथ लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में हमने नोट यूज़ किया है, फिर उसके साथ में वी वन फॉर्म यूज़ किया, फिर उसके साथ में ऑब्जेक्ट यूज़ किया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा, बाकी एक बार वापस से आप देख लो। यानी कि ये चार टेंस जो है पास्ट सिंपल पास्ट को आगे इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, हर टेंस को इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो, जैसे अपने सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव टेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, नोट नहीं होता, क्योंकि वो पॉजिटिव टेंस होता है ना, नोट इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। और जब भी नोट आ जाएगा पास्ट के अंदर, है ना, सिंपल पास्ट की बात करें तो डिड उसके साथ लगाना पड़ेगा हमें, डिड लग के फिर नोट लगेगा, और नोट जो है वो अपने साथ में बेस फॉर्म लेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप एग्जांपल देखो, आई डिड नॉट गो टू द पार्क, आई डिड, ठीक है। और गो जो है गो के साथ क्या लगा हुआ है, ना तो हमने गोज लिखा इसको, ना हमने इसको गोन जो भी है गोन लिखा है, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि ना ही इसकी हमने थर्ड फॉर्म बनाई है, ना ही इसके साथ में ई एस लगाया है, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सिंपल। और नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चंस जो है इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में हम जब भी बनाते हैं तो इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, क्योंकि डू डज डिड जो है तीनों ही हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे लेकर आना होता है क्वेश्चंस वाक्य जो होते हैं इसमें। और उसी प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब ये डिड भी ऐड होगा इसमें और नेगेटिव नोट भी ऐड होगा, तो इस प्रकार से हमने इसमें यूज़ किया। तो ये चीज़ आपको एक बार समझनी है, बाकी जो मैंने पीछे बताया है वो तो आपको बेसिक से बिल्कुल क्लियर करना ही है, ठीक है। इसके तुरंत बाद में अपने जब नरेशंस करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट है जो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, वहाँ पे अपनी वापस इन चीज़ों को रिवाइज भी कर लेंगे, ताकि आपका जो है माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाए किस प्रकार से हम टेंस यूज़ कर रहे हैं। और बाकी फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें ये जो टेंस है हार्ड लग रही है या समझ नहीं आ रहे, तो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी। और जब एक बार आपको ये समझ में आ जाएंगे ना कॉन्सेप्ट, तो आप इनको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इनको समझने की कोशिश कीजिए, जब इसको तीन चार बार आप रिवाइज़ करोगे ना, तब आपके माइंड में सेट होंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है। इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए बार बार, इसको नोट करने की कोशिश कीजिए, तब आपके ये जो है डाउट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अब देखो, मैंने इनको तीन ही पार्ट में इस प्रकार से कर दिया, जो चार पार्ट थे ना उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन वाले होते हैं, और क्वेश्चन वाले में क्या होते हैं, दो इसको डिवाइड दो भागों में डिवाइड कर दिया था ना क्वेश्चन वाले, इस प्रकार से देखो यहाँ पे ये दोनों इंटरोगेटिव थे लास्ट वाले, और क्वेश्चन मार्क वाले थे, इन दोनों को अगर मैं एक करूँ तो ये एक ही है मान लेते हैं वैसे, है क्योंकि इसमें नोट लगा दिया है, बाकी ये सिंपल है। तो इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मतलब थ्योरी याद नहीं होती है तो आप इसको इस प्रकार से याद करो, नोट लगाना है तो हम इसमें लगा सकते हैं, उसको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बोल देंगे, नेगेटिव लग गया है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। डिड तो हमारा बाहर ही है, और जब डिड बाहर है और यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, और नोट लगाए तो इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव बोला है हमने इसमें, इस प्रकार से आपको अगर ज़्यादा याद नहीं होता है तो पहले आप इन तीन को याद कीजिए, और इसमें सिंपल ये कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस वाला है, और क्वेश्चंस वाले में हम नोट भी लगा सकती हैं, और जब नोट लगाएंगे तो उसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप सिंपल पास्ट टेंस जो है इसका यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, जब भी आपके पास में इस प्रकार के जो पास्ट का कोई वर्क दे रखा है, जैसे कि येस्टरडे की अगर अपनी बात करें तो ये पास्ट है, है ना, और येस्टरडे जहाँ भी लगा है हमें क्या यूज़ करना है, वी टू फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि वो पास्ट है। और जब भी बीती हुई कोई भी बात आती है ना, तब हमें वी टू फॉर्म ही यूज़ करनी है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बात की लास्ट ईयर, लास्ट ईयर बात की है तो हमें ये पता चल गया कि लास्ट पिछले साल की बात की जा रही है, और जब पिछले साल की बात की जा रही है तो वो बात बीत चुकी है ना, वो बात क्या है, बीत चुकी है, और बात जब बीत चुकी है तो इसलिए हमने पास्ट यूज़ कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा होता टुमारो, है ना, आने वाला कल, आने वाला कल की बात होती तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, यहाँ पे उस कंडीशंस में हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं,
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से ही वर्ड दिए होंगे, लास्ट ईयर दिया होगा, लास्ट मंथ दिया होगा, लास्ट नाइट दिया होगा। तो जब लास्ट वर्ड दिया होगा ना, तो आपको समझ लेना है वो पीछे की बात कर रहा है, और उसमें हमें पास्ट यूज़ करना है। और जब पास्ट यूज़ करना है तो सिंपल पास्ट यूज़ करना है। सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे आपको, जब आपके एरर वाले क्वेश्चन आएंगे तब उनके अंदर आपसे यहाँ पर लास्ट ईयर दिया जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या तो आपको एरर में इस प्रकार से दे दिया जाएगा जॉइंट्स, है ना। तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका तो पास्ट बनेगा जॉइंट। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, लास्ट वर्ड दिया है, येस्टरडे हमें दिया है, तो हमें पास्ट ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार के एरर वाले क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, समझना है, इसको आसान है बिल्कुल, और कह सकते हैं छोटा चैप्टर है। इसको प्रैक्टिस करोगे ना, छोटा चैप्टर है और आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें है ना तीनों में कॉमन है, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, तीनों में कॉमन है। बस आपको थोड़ा सा इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं इस आरंभ, ना अपने ना इन तीनों को पैरेलल लेकर भी चलेंगे कि किस प्रकार से तीनों के अंदर डिफरेंस है। अब देखो, अब सबसे पहले अपने यहाँ पर देखते हैं पास्ट टेंस जो होता है ना, वो इस प्रकार से डिवाइड होता है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि सिंपल पास्ट को आगे हमने फर्दर डिवाइड चार भागों में किए हैं। उसी प्रकार से कंटिन्यूस टेंस भी आगे चार भागों में डिवाइड होगा, उसी प्रकार से परफेक्ट टेंस भी चार भागों में डिवाइड होगा, लेकिन पार्ट वही रहेंगे। पार्ट कौन से रहेंगे, पार्ट वही रहेंगे, नाम उनके वही सेम रहेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव रहेगा, इस प्रकार से नाम चारों के सेम रहेंगे, ठीक है। और नेगेटिव वाले में हमें नोट लगाना है और बाकी सिंपल रखने हैं, तो इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने देखते हैं, कल हमने प्रेजेंट टेंस किया था, आज हमें पास्ट करना है और नेक्स्ट हमें फ्यूचर हमारा रहेगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, जो पास्ट टेंस है, अगर हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट के अंदर मैंने बताया था आपको, इसके अंदर हम जो है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ये गलत लिखा गया, ठीक है, इसको ध्यान मत देना। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये होगा। जैसे इसमें अपने को दे रखा ना, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो हमें क्या यूज़ करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। यहाँ पर जब हमें पास्ट दिया होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, है ना। तो दोनों में डिफरेंस, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इस चीज़ को लिखती हूँ, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा प्ले, है ना, प्ले लिखा, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ये आप काट दो, इसको मतलब याद रखना, इसको नोट भी मत करना। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वर्ग एज सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है ना। तो यहाँ पे हमें वी टू बनानी है तो प्लेड करना पड़ेगा, ई डी लगाना पड़ेगा, ठीक है, पास्ट टेंस के अंदर। अब यहाँ पे राइट की जो सेकेंड फॉर्म होती है, रोट होती है, तो इसलिए हमने रोट लिखा है ना, आई रोट ए लेटर, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखो, अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी, यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, सिंपल इस प्रकार से सब्जेक्ट वी टू और ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या, मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस जब भी हमें वर्ड मिलेगा तो हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे इसमें भी आईएनजी यूज़ करके, इसमें भी आईएनजी यूज़ करके, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस सिंपल सा इतना है, इसके अंदर तो हमने, यानी कि जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा था उसके अंदर तो हमने यूज़ किया था इज आर एम, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, वाज वर यूज़ किया है, तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी फॉर्म तो हमने आगे वाली सेम यूज़ की है, यानी कि वी वन और आई एन जी फॉर्म। अब इसका सेंटेंस क्या होगा, इस प्रकार से होगा, आई आई वाज राइटिंग ए लेटर, और आई जो है अपने साथ में वाज लेता है। आई के बारे में मैंने कल आपको बताया था, कुछ अपवाद है, आई क्या लेगा, हैज लेगा या हैव लेगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। आई अपने साथ हैज लेगा या फिर हैव लेगा, क्योंकि आई जो है अपवाद है, कभी अपने साथ प्लूरल लेगा, कभी अपने साथ सिंगुलर लेगा, इसलिए आपको याद रखना है ये सिंगुलर, आई होता खुद में सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इस चीज़ को ध्यान रखना, तो आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, आई के साथ हैव होगा या फिर हैज होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, आई के साथ हैव होगा ना कि हैज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, वाज होगा या वर होगा आई के साथ में, तो वाज होगा ना कि वर होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस बताऊँ क्या है, कि आई है ना अपने साथ हैव लेगा, और हैव वैसे प्लूरल के साथ लगाती है, हैव किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ लगाते हैं, इसका मतलब आई प्लूरल ले सकता है ना,
और आई है ना, आई आई के साथ में हमने यहाँ पे वाज यूज़ किया, वाज हम हमेशा किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या ले लिया, सिंगुलर यूज़ ले लिया, यानी कि ये प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, ये सिंगुलर भी ले सकता है। आपको माइंड में सेट सिंपल इतना करना है, आई अपने साथ हैव लेगा और आई अपने साथ वाज लेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखो, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पे सिंपल इस टेंस को इस प्रकार से लिख दिया, यानी वॉज वर्ब यूज़ किया हमने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी यूज़ किया। अब परफेक्ट टेंस जब हमने जो है प्रेजेंट टेंस में किया था, उसमें हमने लगाया था हैव और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमें पास्ट बनाना है तो हम किसका यूज़ कर लेंगे, हैड का यूज़ किया है, सिंपल हैड ही चेंज किया है, हैज हैव की जगह और हैड चेंज करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने उसके साथ यूज़ ही करनी है। क्योंकि एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसका यूज़ हम नरेशंस में करेंगे, किसमें, नरेशंस में। नरेशन में क्या होगा, हैज हैव और हैड है ना, तीनों ही अपने साथ हमेशा वी की थ्री फॉर्म लेंगे, वी की थ्री फॉर्म लेंगे। अगर इनके साथ वी की थ्री फॉर्म नहीं आ रही, जैसे इसमें यहाँ पे नहीं आ रही है ना, लास्ट वाले में देखो, अब लास्ट है जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस, और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हमने हैज हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी यूज़ किया है। तो इस प्रकार से आपको ये चारों मैं वापस बता देती हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो। फर्स्ट में हमने क्या यूज़ किया, फर्स्ट में हमें यहाँ पर ये आपको काटना है और यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट वी टू और ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट जब हमें लिखना होता है तब हम इस प्रकार से लिखते हैं। जब कंटिन्यूस की बात होती है तो वर्ब के साथ में हमें आई एन जी लगाना होता है, और जब परफेक्ट की बात होती है तो हमें हैज हैव हैड यूज़ करना पड़ता है। हैड कब यूज़ करते हैं, जब हमारा टेंस जो है पास्ट में होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैड यूज़ किया है ना, और यहाँ पे सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज हैव यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है और परफेक्ट भी है। परफेक्ट है तो हैज हैव हैड तीनों में से यूज़ करना पड़ेगा, और कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमें वर्ब के साथ में जो वर्ब की फॉर्म होती है उसके साथ में हमें आई एन जी फॉर्म यूज़ करना पड़ता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे आई एन जी फॉर्म यूज़ किया है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना कि आपको समझ में आ रहा है। अब हमारा बचा हुआ है जो फ्यूचर टेंस बचा हुआ है, ठीक है, फ्यूचर टेंस जो है इसमें सिंपल जो है विल और शैल का हम यूज़ करेंगे, शैल और विल का यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और फिर ये जो पूरा चार्ट है वापस से रिवाइज करेंगे। सिंपल इतना ही चार्ट आपको याद करना है, लास्ट में हमें यही चार्ट जो है बार बार रिवाइज करना है, इसी में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, मतलब इसी चार्ट को आपको बार बार याद करना है, आप प्रैक्टिस करना इस चार्ट की ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।